हाय गाइस, क्या आप जानते हैं ह्युंडई वेन्यू वो प्रोडक्ट है जिसने इंडिया में IMT ट्रांसमिशन की शुरुआत की थी, मतलब बिना क्लच के मैनुअल ट्रांसमिशन। आज हम ह्युंडई वेन्यू को उसके एक बड़े राइवल्स में से एक जो अभी न्यूली लॉन्च्ड है रेनॉल्ट काइगर से कंपेयर करने वाले हैं। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स में आपको पेट्रोल टर्बो इंजन मिलते हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलते हैं और वेन्यू में तो आपको डीजल का भी ऑप्शन मिलता है। आज हम इन दोनों ही टर्बो पेट्रोल वेरिएंट्स को कंपेयर करने वाले हैं। इस कंपैरिजन में हमने काफ़ी सारे पैरामीटर्स लिए हैं, जैसे पहला तो है प्राइस, उसके बाद आता है आपका डायमेंशन, इंजन कंपैरिजन, सेफ्टी फीचर्स, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर और आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। मतलब वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर को मिस न करें। इस कंपैरिजन में हमने रेनॉल्ट काइगर के RXZ वेरिएंट को कंसिडर किया है, तो वहीं ह्युंडई वेन्यू के S वेरिएंट को। इसके पीछे का मेन रीज़न रहा है कि इनके प्राइसेस सिमिलर हैं। अब हम इनके प्राइसेस की बात किए हैं तो रेनॉल्ट काइगर RXZ टर्बो वेरिएंट 8,55,000 ex-showroom का मिलता है, तो वहीं वेन्यू का S टर्बो 8,64,000 का मिलता है। काइगर RXZ टॉप वेरिएंट में आता है, लेकिन ह्युंडई वेन्यू का S वेरिएंट टॉप वेरिएंट नहीं है। अगर हम प्राइसेस की सिंपली बात करें तो रेनॉल्ट काइगर को अराउंड 9,000 रुपीज़ का स्लाइट एडवांटेज है। इसके बाद जो पैरामीटर आता है वो आता है डायमेंशन। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पर रेनॉल्ट काइगर और ह्युंडई वेन्यू दोनों ही सब 4 मीटर SUV हैं, तो लेंथ में मेजर डिफरेंस नहीं है। विथ वाइज वेन्यू को 20 mm का लीड है, तो वहीं पे हाइट में सिमिलर है, व्हील बेस में बिल्कुल सिमिलर, तो बूट स्पेस में काइगर को 55 लीटर का एडवांटेज है। अब अगर डायमेंशन की ओवरऑल बात करें तो वेन्यू को विथ जरूर ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन काइगर में आपको इंटीरियर में ज़्यादा स्पेस मिलता है और बूट स्पेस भी बड़ा है। मतलब डायमेंशन वाइज तो हम यहाँ पे काइगर को एडवांटेज देते हैं। अब अगला जो पैरामीटर आएगा वो आएगा इंजन कंपैरिजन। अब इंजन कंपैरिजन की बात की है तो दोनों ही गाड़ियों में आपको एक 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल मिलता है। काइगर में आपको 100 PS की पावर, तो वेन्यू में 120 PS की पावर। काइगर में आपको 160 Nm टॉर्क, तो वेन्यू में आपको 172 Nm टॉर्क। मतलब पावर और टॉर्क में क्लियरली वेन्यू आगे निकल जाती है। तो वहीं पर अगर माइलेज की बात करें तो काइगर 20, वेन्यू 18, मतलब माइलेज में भी मेजर डिफरेंस नहीं है। जो पावर का एक्स्ट्रा पावर मिलता है और एक्स्ट्रा टॉर्क मिलता है, इसलिए हम ह्युंडई वेन्यू को इंजन डिपार्टमेंट में विनर बनाते हैं। तो ये तो हुआ 3 डिपार्टमेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं प्राइसेस में दोनों गाड़ी सिमिलर रही हैं, डायमेंशन में काइगर आगे निकल रही है, तो इंजन कंपैरिजन में वेन्यू आगे निकल रही है। अब जो अगला पैरामीटर आता है वो आता है सेफ्टी फीचर्स का। देखिए, वेन्यू में आपको ड्यूअल एयरबैग मिलता है, तो काइगर में आपको फ्रंट एंड साइड एयरबैग्स मिलते हैं। मतलब क्लियरली एयरबैग्स में तो काइगर आगे निकल जाती है। दोनों गाड़ियों में स्टैंडर्ड ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर और रियर डिफॉगर मिलता है। अगर काइगर में एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो आपको रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। तो वहीं पर वेन्यू में अगर हम बात करें तो आपको एक्स्ट्रा तो कोई फीचर नहीं मिल रहा है, हाँ, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक की बात करते हैं यानी कि वेन्यू S DCT में अगर आप जाना चाहें तो वहाँ पे आपको ESP विथ व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड भी मिलता है, जबकि काइगर ऑटोमेटिक में आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं। इन सेफ्टी फीचर्स से हमें पता चलता है कि ऑटोमेटिक में तो वेन्यू काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन जब यहाँ पे बात मैनुअल में आती है सेफ्टी फीचर्स की, तो वहाँ पे रेनॉल्ट काइगर को एडवांटेज मिलता है। अगर हम उनके क्रैश टेस्ट की बात करें तो इन दोनों ही गाड़ियों का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। ह्युंडई वेन्यू जिस प्लेटफॉर्म पे बनी है उसी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई i10 नियोस और सेंट्रो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं, केवल 2 स्टार्स लाए हैं, तो वेन्यू के भी स्कोर ख़राब होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो वहीं पर रेनॉल्ट काइगर जिस प्लेटफॉर्म पे बनी है उसी पे निसान की मैग्नाइट बनी है, जिसने 4 स्टार हासिल किए हैं। अभी तक क्रैश टेस्ट स्कोर तो नहीं आए हैं, इसलिए अभी हम केवल सेफ्टी फीचर के ऊपर ही रेटिंग दें तो यहाँ पर रेनॉल्ट काइगर को एडवांटेज मिलता है। अब आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो 1 लाइक तो बनता है, और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स पे जाते हैं। तो इन कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की बात करें तो आपको वेन्यू S में 2D ऑडियो सिस्टम मिलता है, तो रेनॉल्ट काइगर में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम मिलता है। वेन्यू S में आपको मैनुअल AC मिलता है, तो काइगर में आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है। दोनों गाड़ियों में टिल्ट स्टेयरिंग मिलता है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं।
अगर हम स्पेशल फीचर की बात करें तो वेन्यू एस में एज सच कोई मेजर स्पेशल फीचर नहीं है जो काइगर में न मिलता हो। तो वहीं काइगर में आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट मिल जाता है, मल्टी ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, मतलब कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में क्लियरली काइगर एडवांटेज ले लेती है। तो अगर अभी तक हमने सारे कंपैरिजन जो देखे हैं उसमें इंजन के अलावा बाकी हर एक पैरामीटर में काइगर आगे निकल के आती है, तो अब हम आखिरी पैरामीटर में आते हैं, मतलब आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। Hyundai का वेन्यू एस और Renault Kiger RXZ ये दोनों ही प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे सेल कर रहे हैं। Hyundai S में आपको 3 ईयर या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है, तो Renault Kiger में 2 ईयर या 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। Hyundai Venue में आपको एक काफ़ी बड़ा सर्विस नेटवर्क मिलता है Hyundai का, तो वहीं पर Renault Kiger का सर्विस नेटवर्क उतना बड़ा नहीं है। अगर हम क्वालिटी की भी बात करते हैं तो Hyundai का सर्विस बेहतर रेटेड हमेशा से रहा है अगर हम Renault Kiger से कंपेयर करते हैं। तो अब इन ऑल हम लास्ट में बात करें कि कंक्लूजन में आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप अकेले ट्रैवल करते हैं और आप ज़्यादा आपको फन टू ड्राइव प्रोडक्ट चाहिए तो वहाँ पे Hyundai Venue को फ़ायदा मिलता है। लेकिन वहीं अगर आपको एक ज़्यादा वेल राउंडेड प्रोडक्ट या एक फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट चाहिए तो वहाँ पे Renault Kiger एक ज़्यादा अच्छा चॉइस है। आपको थोड़ा सा पावर ज़रूर कम मिलेगा लेकिन ये पावर आपको अंडर पावर फील कराने लायक भी नहीं है और साथ में आपको काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से Renault Kiger एक अच्छा चॉइस बन के यहाँ पर आता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।